की अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नगर पालिका में नए क्षेत्र को शामिल करने और इन इलाकों में रहने वाले लोगों की आपत्ति के बाद हाई कोर्ट ने सरकार से दोबारा अधिसूचना जारी कर नए सिरे से पालिका क्षेत्र में शामिल हो रहे ग्राम पंचायतों का परिसीमन करने को कहा है। उसी क्रम में लोगों के द्वारा आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही हैं। आपत्ति दर्ज करने की ये प्रक्रिया 19 मार्च तक चलेगी। इसी को लेकर पिथौरागढ़ नगर पालिका में शामिल दौला गाँव के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई और कहा कि पूर्व में गलत आंकड़ों के आधार पर उनको नगर पालिका में शामिल किया गया था। इन ग्रामीणों का कहना है कि आज वो 2011 की जनसंख्या और कृषि के क्षेत्रफल के आंकड़ों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें उम्मीद है कि उन्हें पालिका क्षेत्र से बाहर रखा जाए। आज हम जो उच्च न्यायालय ने पुरानी सरकार की नगर पालिका में सम्मिलित करने वाली अधिसूचना को खारिज किया था, उसके उपरांत उन्होंने नई अधिसूचना जो जारी करी उसके विरोध के लिए हम अपना ग्राम सभा की ओर से विरोध प्रदर्शन करने आए थे और अपने आंकड़े उनको दिए, जो इन्होंने पूरे ही निराधार आंकड़े प्रस्तुत किए थे। ग्राम सभा दोला की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1768 है, लेकिन इन्होंने नगर पालिका में लेने के लिए हमारी जनसंख्या को 3480 दर्शाया था और कृषि योग्य भूमि 6% दिखाई थी। जो हम आज आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, इन आंकड़ों पर 48% हमारे पास कृषि योग्य भूमि है, 35 हेक्टेयर, ये सारे दस्तावेज हम इनको दे रहे हैं। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट। और लड़ाई है अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और।